मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। जबलपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोट पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भनोट ने अपने करीबियों के साथ मिलकर कई बड़े घोटाले किए हैं। अभिलाष ने तरुण भनोट पर कई बड़े आरोप लगाए हैं कि तरुण भानोट जी और विनय सक्सेना जी जबलपुर के अंदर जिस प्रकार का भ्रामक प्रचार फैला रहे हैं, सबसे पहले आप अपने गिरेबान पर झांककर देखिए। जबलपुर के अंदर खसरा नंबर 262, जिस खसरे में सरकारी जमीन और कुटवार की जमीन को ऐसे मासूमों को बेच दिया गया है जो बेचारे पूरे जीवन भर की कमाई के बाद अपना मकान बनाते हैं, और उनके साथ छलावा करने का काम जिस नाम से हुआ है, वो नाम किससे जुड़े हुए हैं, उनके आका कौन हैं, अपने शिष्यों के नाम पर वो जमीन लेकर और फिर उसको उनके आकाओं ने लोगों को बेचा है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे जमीन के मुद्दे हैं। एक संजीवनी नगर की 5 एकड़ की जमीन का मुद्दा है, जो JDA की जमीन है, उसे बेचने का काम किसने किया है, वो वर्तमान समय में किस पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसका आका कौन है, ये बातें भी सामने आती हैं। ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन को कैसे आपने वो किया और उसको किस तरह से आपने मंदिर के ट्रस्ट की जमीन को पलटाकर आपने बिल्डरशिप करना शुरू कर दिया। साथ ही ज्योति टाकीज जैसा बड़ा एक मॉल है, उस मॉल के अंतर्गत आप सबको भी ध्यान होगा कि कितना लीज रिन्यूअल का कितना पैसा, कोई मुझे कह रहा था कि शायद 89 के आसपास का कुछ ऐसा मामला था, लेकिन उसको किस तरह से रोका गया। फिर जो इस तरह की नजूल की जमीन, उसमें कितने परसेंट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कितना का परसेंट कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सारी बातें आप भूलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वहीं अभिलाष पांडे के गंभीर आरोपों को विधायक तरुण भनोट ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभिलाष के पास अगर कुछ तथ्य और सबूत हैं तो सरकार उनकी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने की गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूं ऐसे आरोप, उसकी जांच करिए और सिद्ध करिए। जो अगर हमने कहा, अगर मैंने कुछ गड़बड़ी की है या किसी ने भी गड़बड़ी की है मेरे नाम से, तो आपको किसने रोका है? आप सरकार में बैठे हैं, चुनाव पास आ रहे हैं, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, आपने कोई कार्य किए नहीं है, और इस प्रकार के आरोप लगाने वाले अपने गिरबान में झाँक कर अपने चरित्र के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में, अपनी सोच के बारे में, और इस क्षेत्र के लिए और संस्कारधानी जबलपुर के लिए उनने क्या किया है, उसका जरूर एक बार आकलन और अवलोकन कर ले। जिनके अभी जन्म भी नहीं हुआ है वो ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हैं, और उनको अगर ये छोटा सा एक रास्ता दिखता है कि दूसरों पे के ऊपर आरोप लगाकर वो अपनी लाइन को बड़ा कर सकते हैं, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सदगुण। फिलहाल MP में कुछ महीनों के अंदर ही चुनाव आने वाले हैं, इसे लेकर दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। वहीं अभिलाष पांडे ने तरुण भनोट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल उन्होंने इन आरोपों के कई पुख्ता सबूत नहीं पेश किए हैं। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट।